हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। और आज है मेरे पति देव का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी ले चले उधर निकल लेंगे रास्ते में। मिलते हैं और हम आपको आगे दिखाएंगे हम लोग कहाँ गए। और ये मैंने कुछ अलग देखी चीज़ देखी है। ये जो पानी का टैंक बना रखा है, गाय के थन में ऐसे लगा रखा है, यहाँ से पानी निकलता है। अच्छा फील आ रहा है इसको देखकर। और हम आए हैं पायलट बाबा आश्रम और हम आप देखेंगे अभी अंदर। चलिए जा रहे हैं आश्रम के अंदर, पायलट बाबा आश्रम के अंदर। और यह सीढ़ियों वाला रास्ता। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? मंदिर में बहुत शांति है, आसपास देखिए आप, बहुत ही शांति है, बहुत ही आपको यहाँ पे अच्छा महसूस होगा। आओ चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति है। ये देखिए हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति है। हनुमान जी की मूर्ति देखिए कितनी बड़ी है। और हम तो इनके सिर्फ चरणों तक ही आ पा रहे हैं। और ये हैं, हम भगवान जी के चरणों पे रहना चाहिए और असल में हम भगवान जी के चरणों में ही आ गए हैं। अच्छा लग रहा है ना, काफी बड़ा है। दरबार लगा हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये वानर, द्वार पे वानर है, ये देखो वहाँ पे दो द्वार पे वानर है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। जय श्री राम। काफी टाइम बाद पहाड़ों पे आ रहे हैं ना।
अभी हम बैठे हुए हैं मंदिर के यहाँ आश्रम के बाहर, थोड़ी शांति है यहाँ पे। तो पायलट बाबा के बारे में कहते हैं कि ये एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इन्होंने भारत के युद्ध भी लड़े हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर। फिर इन्होंने बाद में ये स्पिरिचुअल गुरु बन गए और इन्होंने बहुत जगह आश्रम बनाए हैं। नैनीताल में भी इनका एक आश्रम है, हम हल्द्वानी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम है। और भी बहुत जगह पे इनका आश्रम है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, विदेशों में भी इनका आश्रम है, नेपाल और जापान में। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की अंदर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी हैं जो कि आप देखेंगे वीडियो में, और काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ है माँ काली की एक भव्य मूर्ति, और यहाँ भोले शंकर शिवलिंग है, और ये त्रिपुर सुंदरी यंत्र, और ये गणेश भगवान जी। और 80 के दशक में ये आश्रम बना था, यहाँ काफ़ी सारी भव्य मूर्तियाँ हैं जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और 100 से ज़्यादा कमरे हैं इस आश्रम में। हनुमान जी की मूर्ति, माँ काली की मूर्ति है यहाँ पर, गणेश जी की मूर्ति, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति। तो यहाँ पे बहुत ही शांति अनुभव होती है, लोग आते हैं रुकते हैं, तो अच्छा लगता है। आप भी बैठिए, यहाँ पर बहुत शांति है। और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के, बहुत ही शांति महसूस हुई। मंदिर और आश्रम के दर्शन हम कर चुके हैं, बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है, और आप इस सामने देख सकते हैं मेरे एक चीड़ का पेड़ भी है। अभी इसमें छोटे छोटे फल आ रहे हैं चीड़ के पेड़ में, ज़्यादातर ये पेड़ पहाड़ों पर पाया जाता है। आपको जब पहाड़ों का सफ़र करेंगे तो रास्ते में चीड़ के पेड़ बहुत दिखाई देंगे। मिलते हैं आगे। इससे पहले हम अभी गए थे पायलट बाबा आश्रम, और अब हम आए हैं गरुड़ताल घूमने के लिए। हम आपको दिखाते हैं, और ये देखिए कैसा है इसका रास्ता, थोड़ा सा हमें वॉक करके जाना है यहाँ से, तो चलते हैं। और ये हम हैं गरुड़ताल, गरुड़ताल जाने वाला रास्ता, और ये देखिए ये है जंगलों वाला रास्ता, पर वैसा जंगल नहीं, थोड़ा सा पैदल चलेंगे। हाँ। मजा आएगा, थोड़ा सा फ्रेश हवा मिलेगी, और यहाँ पे है थोड़ा मौसम ठंडा, क्योंकि हल्द्वानी में गर्म लग रहा था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा इतना भी नहीं, अच्छा वाला ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल, और मजा आ रहा है। फिर लेक पे बनाते हैं, आज इनका है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं गरुड़ताल, और अभी यहाँ से दो लोग जो गए उन्होंने कहा कि हम उन्होंने यहाँ मगरमच्छ देखा है छोटा सा, तो पानी के पास हम लोग नहीं जा रहे हैं, दूर से ही हम यहाँ पे झील को निहार रहे हैं, यहाँ भी बहुत शांति है।
हमने घूम लिया है गरुड़ ताल और अब हम जा रहे हैं सात ताल की ओर। मिलते हैं सात ताल में। ये चलो। और ये जो आप देख रहे हैं ये भीमताल लेक है। हम लोग का सात ताल जाने का प्लान था तो अब हम सात ताल नहीं जा रहे हैं, हम रॉकॉन जा रहे हैं क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो हम सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे है भीमताल लेक। मिलते हैं रॉकॉन में। अच्छा बंद कर दिया है। ये पत्थर बहुत बड़ा था, तोड़ दिया है। ऐसे लोग कूद जाते हैं, बहुत लोग कूद। और ये हम अभी बैठे हैं रॉकॉन कैफे में। और यहाँ पे आगे एक छोटी सी नदी भी बह रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हमने कुछ खाना भी ऑर्डर किया है। ये देखिए यहाँ के व्यू अच्छा है, ग्रीनरी नेचर के बीच में बना रखा है ये कैफे। रॉकॉन में खाना खा लिया है, हमने स्नैक्स ही ऑर्डर किए थे और अब हम चले हैं घर की ओर। और हम थोड़ा टायर्ड भी हो गए हैं, अब हम करेंगे घर में पार्टी। मिलते हैं। पिज्जा लेके जाएंगे और घर में आराम से खाएंगे। और ये हम पिज्जा लेके निकल गए हैं। हम पहुंच गए हैं घर और अब हम कर रहे हैं पिज्जा पार्टी। हम खाते हैं पिज्जा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।